हेलो एवरीवन सो आज का हमारा दूसरा यूनिट का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इसमें आज हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग सो स्टार्ट करते हैं विथ द इंट्रोडक्शन सो डिसीजन मेकिंग क्या है सबसे पहले तो तो क्या ये है 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 सबको पता कि decision making मतलब decide करना होता है. तो decision making actually में वही है डिसाइड करना होता है लेकिन अगर उसको हम लोग ध्यान से ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स पे समझेंगे तो वो है, कहा जाता है इट इज रिकॉर्डेड एज द मेंटल प्रोसेस रिजल्टिंग इन द सेलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन अमंग सेवरल ऑल्टरनेटिव तो इसका क्या मतलब है डिसीजन का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आपके पास सेवरल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है ही नहीं तो डिसीजन का बात ही नहीं आएगा ये कैसे अगर आप शॉप गए वहां पे आप देखिए ढेर सारा कपड़ा है ढेर सारा पैटर्न का है ढेर सारा कलर्स का है तभी आपके पास आएगा कि आपको डिसाइड करना है अगर आप शॉप गए और वहाँ पे ढेर सारा कपड़ा नहीं है वहाँ पे एक ही टाइप का कपड़ा एक ही साइज का कपड़ा एक ही प्रिंट का कपड़ा एक ही कलर का कपड़ा ढेर सारा रखा हुआ है तो आप डिसाइड करने का ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे आपको जो भी उठाएंगे आपको वही मिलना है ठीक है तो आप भी डिसीजन का बात ही नहीं आएगा डिसीजन का बात तब आता है जब आपके पास सेवरल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है यानी कि सेवरल ऑप्शन अवेलेबल है तभी आपका आता है कि हाँ आप डिसाइड करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है तब डिसीजन मेकिंग का बात आता है तो वही है ऑर्गेनाइजेशन में भी कि सेवरल ऑल्टरनेटिव रहता है मैनेजर्स के पास डिसीजन लेने के लिए और उसमें से उन लोग बेस्ट पॉसिबल जो आउटकम दे सकता है वो चीज को वो डिसाइड करते हैं एंड वही डिसीजन पे उन लोग अपना काम करते हैं तो आगे है अकॉर्डिंग टू कूट्स एंड ओ डोनल डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सेलेक्शन फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन तो डिसीजन मेकिंग वही है इट इज अक्चुअल सिलेक्शन यानी कि सेलेक्ट करना From various alternatives of the course of action. Next, characteristics or nature of decision making. First, it is a process of selecting the best from the alternatives. तो डिसीजन मेकिंग में बेस्ट चीज ही सेलेक्ट करना है यानी कि अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन है तो बस ऐसा नहीं है कि जाके बस सेलेक्ट कर लेना है कोई भी एक ऑप्शन वैसा नहीं कोई भी एक वे सेलेक्ट करना है क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है तो एक आप सेलेक्ट कर लिए नहीं उसमें यह ध्यान में रखना है कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी बेस्ट सो दैट आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके से अफेक्ट ना हो नेगेटिवली अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया बिना दिमाग लगाए सेलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियस सब आता है ना वो अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा तो इसलिए इट इज ने इस प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बेस्ट चीज ही बेस्ट वे या बेस्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट किया जाए फ्रॉम दल्टरनेटिव नेक्स्ट है इट इज एन इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ ए मैनेजर देयर फूड इट इज डन इन अ रैशनल मैनर तो सिंस डिसीजन मेकिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है कोई भी मैनेजर के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये इमोशनली कर रहा है manager, वो नहीं, reasons, और लॉजिकल साउंड होना चाहिए जो भी डिसीजन लिया जा रहा है नेक्स्ट है इट इज बेस्ड ऑन मैनेजर नॉलेज एक्सपीरियंस जजमेंट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन स्किल तो डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है आपके मैनेजर के क्या नॉलेज है उसका क्या एक्सपीरियंस है उसका जजमेंट कैसा है उसका क्रिएटिविटी कितना है एंड उसका इनोवेशन स्किल्स कैसा है अगर कोई मैनेजर के पास नॉलेज कम है तो उसका मे बी डिसीजन मेकिंग उतना इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन वही अगर मैनेजर काफी नॉलेजेबल है उसको एक्सपीरियंस है पास्ट का पहले ऐसे टाइप ऑफ सिचुएशन वो फेस कर चुका है या सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन फेस कर चुका है तो उसका डिसीजन और ज्यादा इफेक्टिव होगा उसका जजमेंट्स और अपना क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्किल्स यूज करके वो काफ़ी अच्छा डिसीजन मेक कर सकता है क्स्ट है इट इन्व द इवेलुएशन ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑल्टर तो यहाँ पे जितना भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव हैल्टनेटिव है, है जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है बेस्ट ऑप्शन बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इवेलुएट करना पड़ेगा बाकी सारा ऑल्टरनेटिव भी अगर पांच ऑप्शन आपके पास तो आपको पांचों ऑप्शन को इवेलुएट करना पड़ेगा पांचों ऑप्शन को एग्जामिन करना, करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा पांचों में से बेस्ट क्या है नेक्स्ट है इट इज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इट इम्प्लाइज दैट द डिसीजन मेकर अटेम्प्ट्स टू अचीव सम रिजल्ट्स थ्रू डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन मेकिंग करने के दौरान ये एम ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल का ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो अचीव हो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो उसी अकॉर्डिंग डिसीजन करना है नेक्स्ट है इट इज सिचुएशनल इन नेचर सो डिसीजन मेकिंग इज सिचुएशनल इन नेचर यानी कि ऐसा नहीं आप एक बार डिसाइड कर लिए उसके बाद हर सिचुएशन में वही जो डिसीजन है वही अप्लाई होगा ऐसा नहीं है इट इज सिचुएशनल इन नेचर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया करना पड़ सकता है डिसीजन को नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व कमिटमेंट सो ऑब्वियस सब बात है डिसीजन मेकिंग इतना ईजी चीज नहीं है स्पेशली वेन इट कम्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग ठीक है इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ कमिटमेंट यानी कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ अटेंशन एंड इट इन्वॉल्व अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसलिए मैनेजर को या जो भी इंसान डिसाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन और मिल के ग्रुप डिसीजन हो रहा है ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो सभी लोगों को काफी कमिटेड रहना है इस चीज में नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सिक्स स्टेप्स है ये प्रोसेस फॉलो करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा डिसीजन मेक करना है तो वो यही सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिसीजन पे आएगा तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम तो कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ठीक है राइट रिकोग्निशन ऑफ प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या है अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा डिसीजन कैसे बनेगा तो इसीलिए अगर अगर सही आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हुआ मतलब हाफ हाफ प्रॉब्लम ऐसे आपका सॉल्व हो गया ठीक है हाफ सॉल्यूशन कहा जाता है राइट रिकोगशन ऑफ प्रॉब्लम इज इक्वल टू हाफ सॉल्यूशन तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को यह ध्यान में रखना है कि पहले आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करें और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नहीं है आप अपने डे टू डे लाइफ में भी अपने लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ बीमारी है तो आप बस ये अगर आपको सपोज सर दर्द दे रहा है तो आप बस ये नहीं सोच सकते कि हाँ सर दर्द दे रहा है मेडिसिन खाना है और ये पूरा चल रहा है आपका सर दर्द एक महीना दो महीना चल रहा है बस मेडिसिन खाकर ठीक हो रहे हैं तो ऐसा नहीं आपको आइडेंटिफाई करना हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो कुछ माइग्रेन का प्रॉब्लम हो कुछ अलग कुछ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है सो so दैट आप एक्चुअल uh, सॉल्यूशन पे पहुंचे सही डिसीजन पे पहुंचे और सही स्टेप्स ले आगे तो इसलिए पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव तो पहले प्रॉब्लम हो गया डिसाइड Uh, मतलब आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम फिर आपको ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब प्रॉब्लम हो गया अब ऑल्टरनेटिव क्या है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है क्या क्या ऑप्शन है जो आप ऑप्ट uh, कर सकते हैं तो सपोज अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉब्लम है लो प्रोडक्शन

ठीक है तो ये तीन ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई हो गया तो ऐसे ही तीन ऑप्शन अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसके बाद तीन ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है अब जो ऑल्टरनेटिव है वो आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद होगा इवेलुएट ऑल्टरनेटिव उसके बाद जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव है उसको इवेलुएट करना होगा यानी कि कौन सा बेस्ट है तो ये जो तीन ऑप्शन में बताई अगर मशीन खरीदना बेस्ट है क्या ये खरीदने से ज्यादा फिजिबिलिटी होगा ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेटर होगा या फिर एग्जिस्टिंग मशीन जो है वो रिपेयर कराने से बेटर होगा ऐसा भी होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप नया मशीन ले आए तो जो वर्कर्स है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या उन लोगों को अलग से ट्रेनिंग देना पड़ता है तो ये सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है नया मशीन में अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो ये सब चीज को ध्यान में रखना होता है हर एक चीज हर एक फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है और दूसरा ऑप्शन की ये है कि हायर मशीन ऑन रेंट यानी कि अगर हो सकता है कि ये करने से अगर मशीन को रेंट में हायर अगर रेंट में ले हम लोग तो हो सकता है कॉस्ट कम हो तो ये तीनों ये तीनों ऑप्शन देखे तो ऐसे तीनों ऑप्शन सही है लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखना है एकदम डिसाइड uh, करने टाइम अपना ब्रेन करना होता है अपना पूरा स्किल्स को यूज करना होता है अपना नॉलेज को स्किल्स करना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा वो बेस्ट रहेगा जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा ऑर्गेनाइजेशन को और सारा जब ऑप्शंस में उन लोग इवेलुएट कर लेते हैं तो उन लोग आते हैं फोर्थ स्टेप में चूज बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो सिंस उन लोगों को पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है तो कॉस्ट उन लोगों को कम पड़ेगा खर्चा कम करना पड़ेगा लेकिन बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा ठीक है मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट तो वो चूज वही है चूज बेस्ट ऑल्टरनेटिव नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट डिसीजन बाद में आता है कि जो भी आ, डिसाइड uh, किए हैं उन लोग उसको इम्प्लीमेंट करे यानी कि उसको एक्शन में लाए सी रिसोर्स एंड गेन सपोर्ट फ्रॉम इम्प्लॉइज इसमें आता है आपको देखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट डिसीजन कब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपको देखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट किए उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल है वो अरेंज करना पड़ेगा बाकी इम्प्लॉयज का सपोर्ट कैसा है उन लोग ओके okay है ना ये डिसीजन से वो सारा लेना पड़ेगा फिर बाद में जो स्टेक होल्डर्स है उन लोग का डिसीजन भी लेना पड़ेगा तो वही इम्प्लीमेंट डिसीजन यानी कि जो आप सेलेक्ट कर लिए जो थोड़ा डिसीजन का हाफ प्रोसेस हो चुका है और पॉसिबल आउटकम सेलेक्ट कर लिए अब उसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टाइम आ गया है और वो अब एक्शन में एक्शन uh, में ला रहे है, वो जो भी डिसाइड किया है देन सिक्स इवेलुएट डिसीजन तो इवेलुएट डिसीजन का मतलब है जो भी आप डिसाइड किए हैं उसको इवेलुएट करना उसको मॉनिटर करना यानी कि देखना कि जो डिसीजन है वो इफेक्टिव है या नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस देगा या नहीं उसके गोल्स को अचीव करेगा या नहीं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सही है या नहीं तो भाई ये उसको इवेलुएट करना पड़ेगा डिसीजन को कि जो भी पीछे का जो स्टेप्स है फाइव स्टेप्स वो फाइव स्टेप्स वो सही से लिया हुआ है या नहीं तो वही यही है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सिक्स स्टेप्स तो so, आज के लिए इतना ही इससे रिलेटेड नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा थैंक यू एवरीवन